हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं फुल मून रीडिंग के लिए। जी हां, आज है फुल मून इन एरीज। नाउ फुल मून इन एरीज एक ऐसे वक्त है जहां पे आपको अपना इमोशंस को कूल करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली लो फील कर सकते हो, हाई फील कर सकते हो, रेस्टलेस फील कर सकते हो, नेगेटिव फील कर सकते हो। 10-10 पोर्टल आने ही वाला है, सो बहुत ज़्यादा चौकन्ना आप लोगों को रहना है। एंड क्यों रहना है? क्योंकि आपके कुछ लापरवाही की वजह से बहुत बड़े मिस्टेक हो सकते हैं, आप किसी से कट ऑफ कर सकते हो, कोई आपको कट ऑफ कर सकते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, तो कुछ भी आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। तो इसी टाइम पे आपको क्या करना होगा, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा। ये डबल मून है तो ये मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सही दिन है। साथ ही साथ आज कैंडल मैनिफेस्टेशन जरूर करिए, क्योंकि आज जो भी है फायर एलिमेंट के दिन है, तो आज मून वाटर भी आप बना सकते हो, बट बेसिकली आज आप लोगों को कोई भी कैंडल है, कैंडल के सामने बैठ के मैनिफेस्ट करना होगा, बेलीफ रिचुअल करना होगा, पेपर रिचुअल करना होगा। रिचुअल्स अगर नहीं किए हो तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हुए वो ऐसे ही आप लोग कर सकते हो। मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, तो उस वीडियो को देख सकते हो आप लोग। दैट हीलिंग एनर्जी, हीलिंग एंजाइटी, हीलिंग लव, ऐसा। तो यहाँ पे दो पाइल है, ये है पाइल नंबर 1, आपके नेम स्टार्ट हो रहे हैं ए से एन। यहाँ पे है पाइल नंबर 2, सो आपके नेम स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ पे ओ से जेड, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करिए। इसका टाइम स्टैम्प पे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्टली देख सकते हो। इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ रीडिंग को, और आप लोग प्लीज इसी वक्त चैनल को लाइक और सॉरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, तो अगर आपके नाम ए से एन तक है तो आप पाइल नंबर 1 को चूज कीजिए। ध्यान रखिए एक जनरल रीडिंग हो रही है, तो जो जो चीज मैं बोलूंगा वो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एंड आप ये जो रीडिंग देख रहे हो, ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये सोल बेस्ड रीडिंग है, साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है। हाँ, फुल मून है, बट इसका ब्लेसिंग्स आपको कभी भी, जब भी आप देखोगे तब भी आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि फुल मून चला गया मतलब ये वीडियो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ कि आपके लाइफ में कौन से नए चेंजेस आ रहे हैं इस फुल मून में। देखिए यहाँ पे आ गया है टेम्परेंस, तो टेम्परेंस मतलब रीयूनियन का कार्ड। टेम्परेंस का मतलब और भी है कि आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से पहचान रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि यूनिवर्स आपको टेस्ट ले रहा था और उस टेस्ट पे आप पास हो गए, तो बहुत खतरनाक साइकिल आप खत्म किए हो। किसी के साथ ब्रेकअप हो गया था, कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, कोई जॉब लॉस हो गया था, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज था, कोई लीगल इश्यूज था, वहां से आपको कुछ आप ओवरकम करोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके हार्मोनल बैलेंस ठीक हो रहे, हेल्थ ठीक हो रहे, पर्टिकुलरली मेंस्ट्रुएशनल इशू, मूड स्विंग्स, मेंटल इशू, नर्व ब्रेकडाउन ऐसा चल रहा था, ये चीज हो जाएगा सही। और मैं देख रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छे साइकिल पे आ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस। जो लोग हर्ट ब्रेक से गुजर रहे हो सकते हैं आपका हर्ट ब्रेक हुआ है, हो सकते हैं आपके पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, हो सकते हैं ब्रेकअप हो गया था, वो वापस आ रहे हैं। शादी फिक्स्ड हो सकते हैं किसी किसी पर्सन को। मैं देख सकता हूँ कि किसी के साथ जो काफी अलग हो, हटके हो, ऑपोजिट हो, कोई पर्सन आपको हाँ बोल सकते हैं, आप किसी पर्सन को ना बोल के किसी दूसरे पर्सन को चूज कर सकते हो। मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा सुधार आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई नए पर्सन के साथ मिल सकते हो, वो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट जोडियक साइन का भी हो सकते हैं। अभी देखूंगा क्या है। वाओ, तो फाइव ऑफ कप्स। आप में से बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट को लेके बैठे हो। देखो एक चीज मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, आप ए से एन अगर आपके नेम है तो पास्ट के बारे में सोचो भी मत, बिकॉज पास्ट बहुत खतरनाक है। और आपके पास्ट अगर वापस आना चाहेंगे भी, उसको प्लीज वापस मत लेके आइए, क्योंकि जब भी आप पास्ट को वापस लेके आ रहे हो, उनके खराब एनर्जीज को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो ये डिप्रेशन, जो हेल्पलेसनेस, जो अकेलापन, जो सॉलिट्यूड आप महसूस कर रही है, इसको, यही चीजों को आप इस्तेमाल कीजिए, मेडिटेट कीजिए। आपको एक प्रॉपर खुद के साथ बैठना होगा और ज्यादा देर मैनिफेस्टेशंस या फिर मेडिटेशंस करना होगा। बहुत ज्यादा रो रहे हो आप लोग, अकेले महसूस कर रहे हो, किसी को ढूंढ रहे हो और कोई वापस नहीं आ रहे, तो एक्सेप्ट करना होगा लाइफ को, जैसे भी है जो भी है, द शो मस्ट गो ऑन, ये चीज सीखना होगा। सेकेंडली, बहुत अच्छे से मैं देख सकता हूँ कि आप ना किसी ब्रेकअप के बारे में अभी तक सोच रहे हो और उसी के बारे में सोचते सोचते पागल जैसा हो रहे हो आप लोग, तो ऐसे मत बनो। इमोशनल
इश्यूज है, मैं देख सकता हूँ बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यू है आपके लाइफ में प्रेजेंटली, और हो सकता है नींद ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक से खा नहीं रहे हो, एपथी नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, टेरो रीडिंग देख रहे हो ये होप के लिए कि क्या होगा, बट यूनिवर्स आपको परीक्षा ले रहे हैं। और सिंपल मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलरली पास्ट जैसे पर्सन नहीं बनो आप, अगर रियूनियन चाहते हो तो आपको नए पर्सन बनना होगा, तब ये रियूनियन होगा, और बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, नेगेटिव सोच ने से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, साइकिक एक्सरसाइज कीजिए, साइकिक हीलिंग सीखिए, टैरो कार्ड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, यस दैट्स हाउ यू कैन फील समथिंग न्यू, कुछ नए चीज ट्राई करिए ना, अगर आपको टैरो कार्ड में इतना ही शौक है क्यों ना आप टैरो कार्ड से ही कुछ नई चीज स्टार्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी से कुछ नई चीज स्टार्ट कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, किसी को रिकमेंडेशंस के लिए बोल सकते हो, हेल्प के लिए बोलो, हेल्प के लिए बोलने का वक्त आ गया है आपको। वाओ, नाइन ऑफ शोर्ड्स, आपको गिल्ट है, आप में से बहुत सारे लोगों को गिल्ट इसीलिए है क्योंकि शायद आप सब कुछ ठीक कर सकते थे, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गया था, या फिर आपके कंट्रोल नहीं था, नाइटमेयर्स आप लोग देख रहे हो, डरावने सपने, तबीयत सही नहीं है, घर में किसी का डेथ हुआ है, कोई किसी का चोरी हुआ है, और हो सकता है कि कोई आपको घोस्ट करके रातों रात चला गया है, कोई पर्सन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो इसको लेकर डरिए मत, सिंपल बात है कि आपके जो एंजाइटी है ये एंजाइटी मन का भ्रम है, यस मन का भ्रम, इसको ज्यादा अहमियत अगर आप दोगे तो लॉस आप ही का है, सबसे अच्छा बात यह होगा स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज कीजिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए क्योंकि आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो और ओवर थिंक करते करते कहीं पे भी आप नहीं पहुंचोगे, सिंपल बात है, आप अपना इस फुल मून में ना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, स्लीपिंग पैटर्न्स को चेंज लेके आइए, इतना ज्यादा डिप्रेस होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि चीजें उतना खराब नहीं है, चीजें जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, तो थोड़ा सा देख लेता हूँ कि गाइडेंस क्या आता है। देखो स्ट्रेंथ, अभी टाइम खराब जा रहा है तो आपको धैर्य को मेंटेन करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आप कोई गलत डिसीशंस ले सकते हो, तो हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या ये परमानेंट ब्रेकअप है, या फिर क्या कभी भी आपको कोई प्रॉपर मौका नहीं मिलेगा, क्या आपको कोई भी चीज जिंदगी में नहीं मिलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा, बट ये जो खराब टाइम चल रहा है इसको सहना होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा, यूनिवर्स को एक्सेप्ट करना होगा, ये टेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा, जो चीज आप सोच रहे हो 31 अक्टूबर के अंदर सब पॉजिटिव होने का चांसेस है, बट अभी के लिए यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको सहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रो रहे हो आप लोग, बहुत ज्यादा रो रहे हो, नींद ठीक से नहीं हो रहा है, तो अभी मैं देखूंगा मेरे एनिमल स्पिरिट के कार्ड से कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्पिरिट की मदद कैसे मिलेगा, लेट्स सी। देखो फर्स्ट कार्ड आया है रेकून स्पिरिट, एंड रेकून स्पिरिट का जो स्पिरिट गाइड्स है वो आर्ट साइन के लिए मैं देख सकता हूँ, आर्ट साइन के लोगों आप लोगों को सिंपली आपके रूट चक्र के ऊपर फोकस करना है, रोटी कपड़ा मकान या फिर आपके फिनेंस के ऊपर फोकस करना है, फिनेंस बढ़ेगा। देखिए आप लोग ना बेफालतू इमोशनल प्रॉब्लम्स के लेके आ रहे हो, तो बेसिकली मैं एक चीज देख रहा हूँ कि अगर आप अब बिजी हो जाओगे तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा क्योंकि आपको अपने इमोशंस को कोई डिफरेंट जगह पे यूज करना है, रीस्टार्ट कीजिए, रीथिंक कीजिए, री इवेल्युएट कीजिए, चीजों के बारे में दोबारा सोचिए, क्योंकि मैं देख सकता हूँ रीयूनियन हो रहा है, आप लोगों के लाइफ में रीयूनियन हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा, ये अर्थ साइन के मैसेजेस है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये मैसेज सिर्फ आर्ट साइन के लिए है, स्पिरिट है आर्ट साइन का तो सबके लिए मैसेजेस है, बेसिकली आर्ट साइन के स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, यही चीज है। देखो उसके बाद आता है कि एयर साइन, तो वल्चर, यानी कि वल्चर कैसे होते हैं, जो लोग मरे हुए चीजों को खाते हैं, सो आप में से बहुत सारे लोग एक बहुत गलत रिश्ते के बारे में सोच सोच के दिमाग को खराब कर रहे हो और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहे हो, उतना नेगेटिव मत हो जाइए आप लोग, बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के जो भी नेगेटिविटी है वो आ रहे हैं आपके अंदर से, पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो, कोई पर्सन आपको इंसल्ट करके चला गया है अभी तक उसके अंदर हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है,
बट रीबर्थ तो होगा ही, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि ये पर्सन आपके लाइफ में रहे. तो आप में से बहुत सारे लोग ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हो, या फिर कोई जमेनाई को आप देख रहे थे, तो हो सकता है वो जमेनाई लिब्रा एक्वेरियस आपके लिए नहीं बने हैं. तो किसी को छोड़ना होगा, और ये यकीन रखना होगा यूनिवर्स आपको कोई पर्सन को भेज रहे हैं. तो जो भी सेपरेशन के फेज में हो, इसमें रिबर्थ आ जाएगा, मैं देख सकता हूँ. सिमिलरली कोई आपको खुद को चेंज करना होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप किसी को प्यार नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आप उसके बारे में सोचते हो, जैसे कि ग्रजेस लेके चलते हो. तो क्षमा कर देना होगा आपको. सेकेंडली मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि आप बहुत ज्यादा गलत लोगों से मिलते हो, गलत चीजें करते हो, या तक कि गलत सोच आपके आता है, सुइसाइडियल थॉट्स भी आपके आ रहे हैं. बट ऐसे मत सोचिए, ऐसे सोचना गलत है. आपको एक मैसेज मिल रहा है कि जब कोई बहुत अच्छा चीज होने वाला होता है लाइफ में, उसके पहले बहुत बुरा चीज होता है. तो ऐसे ही कुछ समझ के चलिए आप लोग. देखो आ गया क्रोकोडाइल स्पिरिट. तो ये कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के स्पिरिट है, जो आपको बोल रहे हैं कि लोग आपके पीठ पीछे बहुत बीचिंग कर रहे हैं, लोग बहुत जेलस है, एंड लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो. तो वो बार बार आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं. और कई कबार किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो वो ना बिचिंग कर रहे हैं आपके बारे में, बट आप स्टैंड स्ट्रांग हो. आपको लोग बहुत कॉपी करते हैं, कॉपी कैट है, आपको लोग बहुत कॉपी करते हैं, आपसे चीजों को लेके क्रेडिट वो लोग खुद ले जाते हैं. तो ऐसे स्पिरिट्स आपके सामने मुंह में बहुत ज्यादा मीठा बात बोलता है, बट अंदर में इन लोगों को बहुत ज्यादा खुन्नस है. तो ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे कजिन से दूर रहो, ऐसे जेलस फ्रेंड से दूर रहो. आपके फ्रेंडशिप को मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली एक पर्सन को आपको डाउट है, वो हो सकता है कि घर का कोई मुख्य सदस्य, या फिर बहुत पॉपुलर एक पर्सन जो आपको क्रोकोडाइल की तरह काट रहा है. ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, जो बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलता है मिलता है, लोगों के बारे में सोचता है, लोगों से मिलता है, बट जब आपके टाइम आता है तो आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देता है. शायद आपको एक चीज समझना है, क्रोकोडाइल स्पिरिट आपको ये बोलना चाहते हैं कि कई कबार आप जो चीज को देख रहे हो, उसको बिना सोचे समझे जज मत करो, और क्रोकोडाइल की तरह चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि रिवर्स नहीं आया है ये कार्ड. तो आपको ऑब्जर्व करना सीखो कि क्या हो रहा है. कोई गुप्त रिजल्ट्स या फिर कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, किसी पर्सन का असली चेहरा बाहर आ सकता है. वेट एंड वॉच. ओह वाह, दिस इज सो अमेजिंग बटरफ्लाई स्पिरिट. आप लोग लगभग, मैं एक चीज देख सकता हूँ कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई में बदल जा रहे हो, तो एकदम नए पर्सन में बदल जा रहे हो आप लोग. सो हो सकता है कि नए जॉब लग सकता है, नए रिलेशनशिप, नए शादी, नए रिश्ते. कंप्लीटली लाइफ इज गोना चेंज इस फुल मून में. किसी का शादी हो सकता है, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज हो सकता है, आप किसी के घर जा सकते हो, आप बाहर जा सकते हो. लिटरली मैं देख सकता हूँ कि आप लोग इमिग्रेशन के लिए सोच सकते हो, अपना शहर छोड़ सकते हो, अपने घर छोड़ सकते हो, पुराने हैबिट्स को छोड़ सकते हो. स्पिरिचुअल कनेक्शंस दिख रहा है, आप मेडिटेट कर रहे हो, आपको स्पिरिचुअलिटी से मदद मिल रहा है, आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जा रहे हो. हो सकता है भगवान पे यकीन नहीं करते थे, बट अभी आप एक प्रॉपर स्पिरिचुअल पर्सन बन जा रहे हो. टैरोट में यकीन नहीं करते थे, अभी आपको यकीन हो जाएगा. मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आपके आइडेंटिटी चेंज हो जा रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, बहुत खूबसूरत आप बन जा रहे हो. आपके हो सकते हैं आप सेल्फ एम्पावरमेंट करोगे, खुद के लिए कुछ खरीद सकते हो आप लोग. बटरफ्लाई के स्पिरिट एक और भी एक चीज है कि घर में कोई गुड न्यूज आ रहे हैं आप लोगों का, रिलेशनशिप चेंज हो जा रहे हैं, रिलेशनशिप काफी काफी अच्छा हो जा रहे हैं. वन साइडेड अगर आपका रिलेशनशिप था, तो वो वन साइडेड रिलेशनशिप अभी म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन आपको मिल जाएगा, ये तो तय है. अभी मैं देखूंगा कि आपको मून मैसेज क्या मिलता है. सो मदर मून आपको क्या सलाह दे रहे हैं. वाओ, द फर्स्ट मैसेज है बिलीव इन योर गुड लक. तो डेफिनेटली आपको अपने गुड लक के ऊपर फोकस करना है,
गुड लक के ऊपर इसीलिए फोकस करना है क्योंकि बटरफ्लाई का स्पिरिट आप देख पा रहे हो, तो आप जो भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका पॉपुलैरिटी गेन हो जाए, तो अगर आप यूट्यूब में हो, इंस्टा में हो, या फिर फेसबुक में हो, कोई भी सोशल मीडिया पे हो, या फिर आप एक पॉलिटिकल लीडर के साथ हो, या फिर आप पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हो, या फिर आपको कोई लीगल इश्यूज चल रहा है, तो वहां पे आपका बहुत पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। घर में अगर प्रॉब्लम हो रहा था तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है। उसके बाद आता है द न्यू मून इन केप्रिकन, स्टेप अप एंड लीड। आप में से बहुत सारे लोग नए जॉब के लिए जाओगे, आप में से बहुत सारे लोगों का नया रिश्ता होगा, और आप में से बहुत सारे लोग किसी को अप्रोच करोगे रिलेशनशिप के लिए, और कोई आपको अप्रोच कर सकता है। तो हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो किसी से मिल सकते हो, कहीं नए पर्सन हो सकता है, ये केप्रिकन हो सकता है, टॉरस वर्गो हो सकता है, या फिर अगर आप टॉरस और वर्गो केप्रिकन के साथ हो तो बेसिकली केप्रिकन के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपको कोई भी जोडियक साइन में क्यों ना हो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो मेरे ख्याल से नए पर्सन को चूज करके आप एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये न्यू बिगिनिंग शादी की तरफ जाएगा। मेरे ख्याल से आपका सेविंग्स बढ़ेगा, और अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है। कोई एक पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर से है, जिसको आप नहीं मिले हो, और शायद आप इसी पर्सन को अपना सोलमेट मानते हो, आप इसको नहीं देखे हो बट इसको मैनिफेस्ट करते रहते हो, और ये आपके ड्रीम में आता है। आप लोग रिपीटेटिव नंबर्स देख सकते हो, या फिर 1111777333222444, ये सब नंबर्स आप देख सकते हो, क्योंकि आपका लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वाओ, दो कार्ड्स आ गया है माता के सामने। सो इन दोनों कार्ड्स का जो रिप्लाई है वो है, फर्स्ट ओपन अप टू न्यू चेंजेस, तो आपको नए चेंजेस के साथ आना है, एंड गो डीपर, कोई रिश्ते को अंदर जाइए, किसी रिश्ते के अंदर जाइए, इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि आप अगर अंदर नहीं जाओगे तो किसी पर्सन को आप गलत जज कर सकते हो, या फिर खुद को गलत जज कर सकते हो। ओपन योर चांसेस का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर डिसीशंस को लेना है, और खुद को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब में से बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हो खुद को, तो ये चीज मैं बोल सकता हूँ, खुद को अच्छे तरीके से समझिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए। आप लोग इतना सीरियस क्यों हो जा रहे हो, आप लोग इतना ज्यादा वन ट्रैक क्यों हो जा रहे हो, हमेशा इतना सीरियस रहोगे तो एंजॉय कब करोगे, इतना ज्यादा डरोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। सिमिलरली कुछ थोड़ा चीयर अप कीजिए खुद को, लेट्स सी यूनिवर्स के मैसेज आपके लिए क्या है। रिलीज योर पास्ट, मैंने बोला था कुछ गंदा पास्ट को छोड़ना होगा, क्योंकि कोई पास्ट आपके लिए शायद नहीं बना है। उसके बाद आया है मेजर चेंज, जैसे कि बटरफ्लाई के स्पिरिट में मैंने देखा हूं कि बहुत मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ये मेजर चेंज आपको खुशियां ही देंगे। हो सकता है कोई सीक्रेट क्रश आपको बोलेगा कुछ चीज, जा देख के आप ताजुब हो जाओगे कि वो भी आपको ऐसे प्यार करता है, या फिर कोई हिडन, कोई आपके बारे में कोई हिडन फीलिंग्स लेके चल रहा था तो वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, या फिर रिलेशनशिप पे आपको कमिटमेंट या फिर प्रपोजल आ रहा है इस आने वाले फुल मून के दिनों में। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग में देख सकता हूँ कि आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, और हिडन, मैं यही बोल रहा था, कोई हिडन क्रश या जो आपके साथ डेटिंग में जाएंगे और जिसके साथ आप नहीं मिले हो, यूनिवर्स किसी एक पर्सन को आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके साथ, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर बढ़ेंगे। मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत जॉली होगा, गुड लुकिंग होगा, बट बहुत शाई होगा, तो ये पर्सन सबके साथ बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ मिलेंगे, ये एक नए पर्सन है और अभी वक्त है कि इस नए पर्सन के बारे में सोचने के लिए। अगर रिलेशनशिप में बहुत अच्छा जा रहे हो तो कोई बात नहीं, रिलेशनशिप और भी अच्छे से चेंज हो जाएगा, बट अगर आप एक चीटर के साथ हो, टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, वक्त है कि आपको छोड़ने का है और चीज़ों को अपने आप होने देना है, और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है कि जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, ऐसे ट्रस्ट फैक्टर को लेकर चलना है। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। अगर रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड मैं चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन पे लिखिए थैंक यू यूनिवर्स 2222, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो अगर आपके नाम ओ से जेड के अंदर है तो आप ये पाइल नंबर 2 को चूज कीजिए, वेलकम बैक। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए।
एंड सेकेंडली, अगर आप लोगों को कोई मेरे नाम पे मैसेज करता है, टेक्स्ट करता है कि व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे ये वो, ऐसे बिल्कुल मैसेज पे रिप्लाई मत कीजिए क्योंकि वो स्कैमर्स हैं। मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलूँगा। दरअसल आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जो वेडनेसडे एंड ट्यूसडे और वो फ्राइडे या फिर संडे हो सकता है, सो उसमें आप आइए। बट और आप लोग मेरे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप लोग मेरे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो चलिए अभी देखता हूँ कि इस फुल मून एरीज आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। ओके, एट ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो मैं देख सकता हूँ कि काम में बहुत ज्यादा सुधार आ रहा है। आप में से जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनके गवर्नमेंट जॉब मिलने का चांसेस है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोगों अगर स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहे हो, तो भी ये एक बहुत बड़े आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगा। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिल रहा है, लक आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और खुद का ग्रीप में सिचुएशंस आ रहे हैं। तो एक पर्सन आपको चेज करवा रहा था, एक पर्सन आपको बहुत रुलाया है, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे और लक चेंज हो जा रहा है। अब में से बहुत सारे लोग स्पेल किए हो, मैनिफेस्टेशंस किए हो, या फिर ऑकल्ट की चीज घर पे लेके आए हो। हो सकता है इनके वजह से आपके वास्तु ठीक हो गया हो और इनके वजह से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। मैं देख सकता हूँ एक सच्चा पर्सन, सच्चा दोस्त आपके साथ है जो आपको मदद कर रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। हालांकि पहले लोग आपको समझ नहीं रहे थे, या फिर लोगों के साथ आपका सही तरीके से बॉन्डिंग अच्छा नहीं हो रहा था। अभी बॉन्डिंग अच्छा होगा। आप में से जो लोग शेयर और ट्रेडिंग में हो, आप में से जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, आप में से जो लोग बिजनेस करना चाहते हो, आप में से जो लोग डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या फिर कोई भी हायरार्की से जुड़े हुए हो, आपका इन्फ्लुएंस और भी बढ़ेगा। आप बहुत अच्छे से कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ऑलरेडी बहुत दिन से किसी चीज़ को तहे दिल से चाहते हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं। बट लक उस टाइम पे अच्छा नहीं था, तो एक बहुत पॉजिटिव साइकिल आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप में से बहुत सारे लोग किसी पेट को खरीद सकते हो या फिर घर में अडॉप्ट कर सकते हो। मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि नया हॉबी को लेके आगे बढ़ोगे। मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी, टैरोट पे आप जा सकते हो, या फिर कोई नए कोर्स सीख सकते हो। ये डिस्टेंस कोर्स हो सकता है, या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो सकता है, कहीं कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हो, या फिर कोई बड़े एमएनसी कंपनी पे आपका जॉब हो सकता है जहाँ पे आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हो, तो हो सकता है आपके स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाएगा, हो सकता है आपके खाने के हैबिट्स चेंज हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग अगर सिंगल हो, तो कोई एक ऐसे सीनियर पर्सन के साथ मिलोगे जिसके साथ आपका फ्यूचर होगा, या फिर मैं देख सकता हूँ आप बहुत यंगर लुकिंग कोई पर्सन के साथ डेट कर रहे थे, या फिर बहुत दिन से रिलेशनशिप पे थे बट कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो कमिटमेंट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो रिलेशनशिप और भी मीठा हो जाएगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मिठास बढ़ रहा है और कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एफर्ट्स दे रहे हैं। कोई टॉक्सिक पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे दीज डेज, वो आपको छोड़ के गया था बिकॉज ऑफ उसको जाना पड़ा था काम के वजह से, अभी वो आ सकता है आपके लिए। शायद हो सकता है वो कनाडा या फिर यूएस में आपको छोड़ के चला गया था, बट वो आई थिंक आपके पास आएंगे। हो सकता है कि सॉरी बोलने के लिए आएंगे। कोई पर्सन कोई गिल्ट लेके चल रहा है, वो आएगा और आपके साथ जो बुरा किया है, वो भी उसका भी कर्मा खराब उस मतलब हुआ है, तो इसके लिए वो कुछ आपको सॉरी बोलने के कोई आ रहा है आपके लाइफ में। वाओ, यहाँ पे आया है टू ऑफ वांड्स। आप दोनों चीजों में से एक चीजों को चूज करेंगे, जॉब या बिजनेस, या फिर दोनों जॉबों में से कौन सा जॉब, या फिर कोई आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहा है, या फिर आईटी में अगर आप हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम भी अगर आप कर रहे हो, तो कोई ऐसा जॉब आएगा। कोई रिमोट बेस्ड जॉब अगर आप चाह रहे हो, तो वो भी आ सकता है। इमिग्रेशन, अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किए हो, तो प्रॉपर इमिग्रेशन आपको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लोग अप्लाई करने वाले हो, या फिर अप्लाई किए हो और पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, तो नेक्स्ट मूव आपके बहुत अच्छे हैं, तो आप एक डिसीशंस लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से कोई टैरो रीडिंग या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बोला है और उसको आप फॉलो कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, या फिर कोई चैंटिंग को फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई भी पर्टिकुलर रिचुअल को कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। आप में से जो लोग, फिर से बोल रहे हो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, तो उन लोगों के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत सही हो रहा है। बहुत जल्दी आपको नए जॉब मिलेगा, हो सकता है सीए, सीएस, लॉ,
यहाँ तक कि अगर आप कोई भी आईटी रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो तो वो भी आपको मिल सकता है। वाओ, किंग ऑफ शोज। तो अगर जुडिशियरी एग्जाम्स आप दे रहे हो तो डेफिनेटली लॉ रिलेटेड कोई भी चीज को लेके अगर हो, या फिर लॉ रिलेटेड कुछ चीज आपके हो रहे हैं, यानी कि लीगल इश्यूज चल रहा है, तो आपके फेवर में आएगा। हो सकता है किसी पर्सन को कट ऑफ कर दे रहे हो आप लोग, और वो आपके पास्ट है, वो गंदे पर्सन है, वो हो सकते हैं कोई जेमिनाई है जो आपको बहुत रुलाया है, जो आपके लाइफ को एकदम डंप करके चला गया है, या फिर जो आपको ऑन एंड ऑफ करा रहा था। तो एक जेमिनाई को आप कट ऑफ करोगे, या फिर लिब्रा को कट ऑफ करोगे, या फिर एक्वेरियस को कट ऑफ करोगे। कोई पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा था, तो वो पर्सन आपके साथ बात करेंगे, तो हो सकता है ये पर्सन आपके साथ बात कर रहे, बिकॉज ये पहले आपको छोड़ के गया था, बट अभी ये आपके साथ बहुत सीरियस कमिटमेंट में आना चाहेंगे। मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन चेंज हो जा रहे हैं, बट ये आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। देखो, आप बहुत सच बोलोगे, आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे, आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल होके सोचते थे। कोई पर्सन के लिए आप बहुत कुछ किए हो, वन साइडेड रिलेशनशिप, और आपको पता चला है कि अभी और कुछ नहीं करना है, बिकॉज वो पर्सन आपको पसंद नहीं करते और आपको इस पर्सन को छोड़ना होगा। मैं देख सकता हूँ एक टॉक्सिक पास्ट आपको ना बोलते हुए आपको छोड़ के, आधा अधूरे छोड़ के चला गया था, और वो पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट अभी ऑलरेडी आप एक पर्सन के साथ हो जिसके साथ आप रहना चाहोगे। सो आई थिंक मैं ये चीज़ बोलूंगा कि आप जो नए पर्सन आपको यूनिवर्स मिलाया है उसको आप लेके आगे बढ़ो, पास्ट पर्सन को भूलो, किसी पास्ट एनर्जीज को आगे लेके मत आओ, यही यूनिवर्स की सलाह है। तो जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर लॉ रिलेटेड कोई भी चीज़ दे रहे हो, जुडिशियल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आने वाले दिनों में आप पास करोगे। मैं देख सकता हूँ कि अगर आप कोई लॉयर हो, या फिर कोई डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो, कि डिवोर्स करने के बाद आप किसी दूसरे शादी करोगे, या फिर सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, होगा। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है बट दिल का बहुत साफ है, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, ये बहुत गुड लुकिंग होगा, लॉन्ग हेयर होगा, और एट द सेम टाइम ये एक डिफरेंट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कि एक नए पर्सन है जिसको साथ आप पहले नहीं मिले हो, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखता हूं एनिमल स्पिरिट आपको क्या सलाह देता है। देखो, एनिमल स्पिरिट में आया है डियर, तो डियर का स्पिरिट आपको ग्राउंडेड होने के लिए बोल रहा है, चतुर होने के लिए बोल रहा है, फास्ट काम करने के लिए बोल रहा है, और हिडन एनिमीज के बारे में बोल रहा है। हो सकता है आपके नेबर बहुत इगोइस्टिक हो, या फिर बहुत ज्यादा एनिमोसिटी है उनके उसके अंदर। थोड़ा सा आप अपने हिडन एनिमीज के बारे में सोचें, क्योंकि पीपल बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं जो बहुत जेलस है, जो आपको बहुत ज़्यादा भगा रहे, तो कोई एक पर्सन आपको चेज करवा रहे, तो आपको टाइम आ गया है कि यूनिवर्स आपको कुछ बोल रहे हैं कि इसके पीछे मत भागो, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। कि अगर आपको ऐसे इंट्यूशन है तो प्लीज़ ऐसे ही इंट्यूशंस को पकड़ के चलिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। सेकेंडली, आपके पर्सन अगर स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपको पता है कि वो बहुत स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, तो इसको आप मानिए, ये जो बोल है इसको सुनिए, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रॉपरली प्यार करता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा लोगों के मतलब ओपिनियन ले रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे कि अभी टाइम आ गया है कि आपको थोड़ा सा सीरियस होने में, और आप अपना कट ऑफ, अपना ऑप्शंस को कट ऑफ कीजिए, और अभी आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में आप सोचते हो बट करते कम हो। आपके अंदर भी मिस्टेक्स है, क्योंकि आप जो चीज़ बोलते हो कि कल से मैं ये करूँगी वो करूँगा, या फिर मैं ये नहीं करूँगी ये नहीं करूँगा, वो आप करते ही रहते हो, तो ओल्ड हैबिट्स को छोड़ने का बात आ गया है। सेकेंडली, आप जो भी काम करते हो तो मगन होके करते हो, तो रूटीन को चेंज करिए, क्योंकि बहुत रिगोरस आपका लेबर आप दे रहे हो, तो थोड़ा बहुत खुद के लिए भी टाइम निकाला कीजिए, थोड़ा बहुत खुद के बारे में भी सोचिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए, फैमिली के साथ या फिर लवर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप किसी को यही चीज़ बोलना चाहते हो कि थोड़ा बहुत मेरे साथ टाइम को स्पेंड कीजिए, क्योंकि वही पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, वो आपके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे थे, तो वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और कोई पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, या फिर कोई भी और के साइंस के है कि न्यू प्रपोजल आपको मिल सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देख रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अनएक्सपेक्टेड कोई ब्लेसिंग्स आ रहा है, ये किसी भी रूप पे हो सकता है, कोई मनी, कोई पैसा, कोई अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। हेल्थ इशू इंप्रूव हो जाएगा, खास करके अगर आप माइग्रेन, पैरों का दर्द, और आर्थराइटिस, या फिर लीवर की कोई प्रॉब्लम्स हो, तो ये चीज़ आपके फेवर में जाएगा।
उसके बाद आता है रैबिट यानी कि रियूनियन। तो कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो आप, 3336668889991010 10 10 10 2221111, ऐसे रिपीटेटिव नंबर्स आप शायद देख सकते हो, क्योंकि कोई पर्सन चाहते हैं आपके साथ दोबारा सेकेंड स्टार्ट, सेकेंड चांस देने के लिए। तो ये पर्सन आपका एक हो सकता है, ये पर्सन के साथ आपका वर्बल कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, बट ये पर्सन कमिटमेंट दे देंगे। अगेन ये एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की स्पिरिट है, बट ये सबके लिए ही है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ ग्राउंडिंग एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके आप बहुत कुछ सोचते हो, या फिर किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हो, फॉरगिव करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, और आपके अंदर, आपके पास जो है, आपके अंदर जो है उसमें आपको सेटिस्फाई रहना है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होके, फिकल माइंडेड होके, बहुत ज़्यादा डिसीजंस या फिर डिसीजंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच हो जा रहा है आपका। काम को करना होगा, उतना मत सोचिए, काम को करिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ गया है, तो कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकता है किसी किसी के लिए, ये भी मैं देख सकता हूँ। ड्रीम्स में आप जो देखोगे वही चीज़ वास्तविक में होगा, तो कुछ ड्रीम्स आप देखोगे। ड्रैगन फ्लाई एयर स्पिरिट, तो हो सकता है कि आप आपके पॉसिबल मेट से मिलोगे। ये पॉसिबल मेट हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जिसको आपको पता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये नया पर्सन है, ये पुराने पर्सन नहीं है, ये नए पर्सन है, या फिर कोई पर्सन चेंज होके नए पर्सन बन जा रहे हैं। तो देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होगा, ये स्पिरिचुअल नहीं होगा, बट कुछ हद तक ये बहुत लॉजिकल होगा, ये कर्मा पे बिलीव करता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, हो सकता है ये इसके साथ आपका सोशल मीडिया पे मुलाकात हो जाएगा, ये नया पर्सन होगा। ये पर्सन को जब आपको मिलेगा, जब आप तब आपको मिलेगा जब आप अपने पुराने पास्ट को छोड़ के नए पर्सन के बारे में सोचेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो पुराने टॉक्सिक पास्ट को, पास्ट के बहकाने में हो, यानी कि टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए ये मैसेज है, आप थोड़ा बाहर एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा बहुत लोगों से मिलिए, थोड़ा बहुत लोगों से बात कीजिए, क्योंकि क्या है कि आपको अपने पर्सन को और भी अच्छे तरीके से जानना है, और अगर आप खुश नहीं हो तो इसी वक्त आप उनको बोल के मूव ऑन कर जाओ। हाँ, बट आप लोग क्या हो जा रहे हो, एक टॉक्सिक पर्सन को चेंज करने में लगे पड़े हो। शायद वो चेंज हो रहे हैं, बट आपको भी कुछ चीज़ बोलना होगा, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्म तो करना है, बट कितना हद तक आप सह पाओगे ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत आप खुद के बारे में भी सोचो, खुद के इमोशंस के बारे में भी सोचो, आप एक ह्यूमन हो, आप कोई रोबोट नहीं हो। बट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप लोग एकदम लाइक वेट ही कर रहे हो, किसी के लिए वेट ही कर रहे हो, तो कुछ कुछ टाइम पे उसको बोल देना चाहिए कि देखो मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। तो ऐसा कुछ अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, या फिर कोई पर्सन आपको बहुत दिन से वेट कर रहा था, वो फाइनली आके अपने साइलेंस को तोड़ेगा, और ये एक ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है दोनों के बीच में। वाओ, ये है फायरफ्लाई, और दरअसल ये भी एक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के है। तो आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में जा रहे थे, और आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप खत्म होने वाला है, तो एक ऐसे पर्सन आएगा एक्सपर्ट्स लेके, कि जो पूरे अंधेरा में भी उजाला करके रख देंगे। तो हो सकता है रिलेशनशिप वन साइडेड था, रिलेशनशिप पे कोई एफर्ट नहीं था, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा भुगत रहे थे, या फिर जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे बट जॉब नहीं कर पाते थे, या फिर जॉब में कंटिन्यू नहीं कर पाते थे, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ा, या फिर लाइक बहुत एगोनी लेके आप चल रहे थे, बहुत सैडनेस लेके चल रहे थे। इसी वक्त कोई अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी हो जा रहे, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, या फिर पर्सन आपको अचानक बहुत अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, और सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। हो सकता है आप अपने पर्सन से नहीं मिल पाए थे बिकॉज ऑफ योर वर्क, बट अभी ये पर्सन के साथ आप मिलोगे, और बहुत दिन के बाद आप लोगों का इंटीमेसी बढ़ेगा, लव मेकिंग होगा, और मैं देख सकता हूँ कि दोनों के बीच का जो दूरियाँ था वो खत्म हो जाएगा। और अगर आप एक सिंगल हो और आप चाहते हो कि किसी पर्सन के साथ मिलोगे, तो आप अपने प्रोबेबल मेट के साथ मिल रहे हो, ये मेल और फीमेल जो भी है, इसके साथ आप अपना पूरे जिंदगी बिताओगे। तो ये एक परमानेंट रिलेशनशिप आ रहा है आपके लाइफ में आने वाले मंथ पे। मैं देख सकता हूं कि मून मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। देखो, फर्स्ट मून मैसेज आ गया है कि लास्ट क्वार्टर मून इन पाइसेस, टॉकलेस फील मोर। यस, आपको थोड़ा सा
बात कम करना होगा और फील करके देखना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करने के बाद क्या फील होता है, ड्रेन फील होता है। तो बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा बात मत करो और फील करो चीज़ों को। प्यार को फील करना होता है, प्यार दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये चीज़ काम कर रहे हो बट अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर मत करो। जब आप गोल्स को अचीव करेंगे लोगों को ऑटोमेटिक पता चलेगा। उसके बाद आ रहा है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। बहुत ज़्यादा खुन्नस लेके चल रहे हो, हेटर्ड लेके चल रहे हो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मतलब कैंडल के सामने बैठना होगा, दिया जलाना होगा, ईश्वर के सामने पूजा करना होगा, अल्लाह के सामने पूजा करना होगा। क्योंकि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड मतलब क्या है कि एक्स के साथ अगर आप हील करना चाहते हो ना, तो पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही होगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस का सबसे आसान तरीका क्या है? हो पुनो पुनो प्रेयर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर्स आप लोग अगर करोगे, एंड खास करके अगर आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पहनोगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आप टर्कवाइज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हो। उसके बाद आता है रिलैक्स, न्यू मून इन कैंसर। तो आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स करना ही है, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आप लोग स्पेंड कर पाओगे अपने लवेबल पर्सन के साथ, जिस पर्सन को मैनिफेस्ट करो वो पर्सन आएंगे। तो बहुत अच्छा टाइम है, थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम आ जा रहा है। तो वहाँ पे आपको नया जॉब मिल सकता है, बिजनेस में तरक्की हो सकता है, क्लाइंट्स हैंडलिंग आप अच्छे से करोगे, नए अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। इमिग्रेशन के लिए सोच रहे हो तो इमिग्रेट कर सकते हो नए जगह पे, और सुकून आ रहा है लाइफ में, पीस आ रहा है लाइफ में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको खुद को आप अच्छे तरीके से समझोगे, दूसरे पर्सन को अच्छे तरीके से समझोगे। बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था रिलेशनशिप पे, तो वो एकदम शांति से आप लोग चल पाओगे और आपके मन में सुकून आ जाएगा। सबसे बड़ा बात, सुकून तो नहीं आता है ना आसानी से, आ जाएगा सुकून। तो उसके बाद मैं देखूंगा कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, देख लेता हूँ। देखो फर्स्ट आता है केमिस्ट्री, मैंने बोला था आप दोनों के बीच का केमिस्ट्री बढ़ रहा है, या फिर कोई नए पर्सन के साथ आपको मिल रहा है जहां पे आपको केमिस्ट्री महसूस होगा, बहुत अच्छे केमिस्ट्री होगा। उसके बाद ये कार्ड्स मैं देख सकता हूँ, देखो और भी एक बार शफल कर लेता हूँ ताकि डबल चेक हो जाए। ओके प्लेयर, अभी प्लेयर है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत अपने फीलिंग्स को हाइड करते हो, राइट? आप किसी से अपने फीलिंग्स को छुपा के आ रहे हो और ये समझ रहे हो कि वो कभी भी नहीं समझेगा, या फिर आप लोग सोच रहे हो कि यू नो वो शायद आपको प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते। बट यहाँ पे एक आप जो पर्सन के साथ हो वो खिलाड़ी है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कोई मेल और फीमेल। ये प्लेयर के कार्ड मतलब क्या है कि जो पर्सन आपको नचा रहे, या फिर ऐसा है कि आप बहुत लोगों के साथ बात कर रहे हो, और ये टैरोट के वजह से हो सकता है कि कोई ऐसे टैरो रीडिंग आप सुन लिए हो ऐसे ही, जिसके बाद से आप नेगेटिव फील कर रहे हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्लेयर मतलब अभी टाइम आ गया है कि खुद के गेम को खुद संभलने का। मैं ये नहीं बोलूँगा आप कोई प्लेयर के साथ हो, मैं ये बोलूँगा कि जो जिसके भी साथ आप हो ना, इसमें दो चीज़ है। एक है विश्वास, अगर विश्वास करते हो तो विश्वास करो, और अगर आपको सस्पिशियस लगता है चीज़ों को तो जस्टिफाई मत करो। यानी कि अगर आपके पार्टनर दूसरों के साथ फ्लर्ट करता है तो इस चीज़ के बारे में सोचो। अगर आपके पार्टनर ऑन रहता है और रिप्लाई नहीं देता है, ठीक है, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, ठीक है। बट अगर ये हैबिट हो जाता है कि पूरा दिन ही रिप्लाई नहीं देता है, मतलब ये साफ है कि वो आपको प्यार नहीं करता है और वो आपको उतना प्रायोरिटी नहीं देता। अभी आप अगर जस्टिफाई करोगे कि नहीं गुस्से में है बाद में करेगा, तो प्रॉब्लम आपके साथ है। तो खुद के साथ खिलवाड़ मत करो, प्रैक्टिकल चीजों को समझो। सेकेंडली, एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो बहुत फेमस है, जो बहुत पॉपुलर है, इसके साथ आप सिंपल मत बनो, थोड़ा सा अपने फीलिंग्स और इमोशंस को छुपाओ, और इसके मैसेज आने के बाद ही तुरंत मैसेज मत करो, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखो। इसको इसके सामने ओपन बुक मत हो जाओ, क्योंकि ये भी आपके सामने ओपन बुक नहीं है। उसके बाद आता है यू आर वर्थी ऑफ लव, यानी कि आप बहुत लवेबल हो, आपको ऐसा सोचना भी नहीं, ठीक है, कि यू नो लोग आपको छोड़ के जाएंगे और ऐसा। यूनिवर्स आपको देख रहा है, यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे देंगे। आप
अगर कोई पर्सन के साथ क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड में रीच आउट आया है, तो हो सकता है कोई पर्सन का टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे हो, मैसेज के लिए वेट कर रहे हो, वो मैसेज मिल जाएगा, बट आपके पर्सन फ्लर्ट करता है लोगों के साथ, ये चीज़ तो है। तो ये एनर्जी और आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, ये माइंड गेम को समझो। और रीच आउट करेगा तो ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो, एक्सपेक्ट करो मैसेज का, वो आ जाएगा। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड लव। आप लोगों के वजह से ही आज मैं हूँ। आप मेरे साथ माँ काली का नाम ले सकते हो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, और आप अल्लाह के नाम भी ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।